हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के 13 सीरीज़ के फ़ोन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एप्पल 13 लाइनअप के जो फ़ोन हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और आज हम जानेंगे इन्हीं के फीचर्स के बारे में, न्यू चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 13 मिनी एंड 13, और फिर उसके बाद हम प्रो सीरीज़ के फ़ोन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले आपको इस बार 28% मोर ब्राइटर मिलता है, अप टू 800 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जा सकती है। और अगर आप HDR कंटेंट देखते हैं तो आपको ब्राइटनेस 1200 निट्स तक मिलेगी। और फ्रेंड्स, इसमें आपको और भी ज़्यादा ब्लैक दिखेंगे, पंची कलर्स दिखेंगे और बिल्कुल नेचुरल फ़ोटो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हुई डिस्प्ले की, अब बात करते हैं हम डिज़ाइन की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको डिज़ाइन में चेंज मिल जाता है वो है इसमें सिरेमिक शील्ड की कोटिंग आती है, जिससे आपका फ़ोन और भी ज़्यादा टफ होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो कैमरा सेटअप है वो फ्रेंड स्ट्रेट से हटा के डायगनली कर दिया है, जिससे कि आपका फ़ोन और भी ज़्यादा स्टाइलिश रहेगा। और बात करें फ्रेंड्स के नॉच की, तो नॉच को और ज़्यादा छोटा कर दिया है पहले से, और जो आपका फ्रंट कैमरा सेटअप है वो 20% लेस स्पेस आपका ऑक्यूपाई करेगा, जिससे कि फ़ोन आप चलाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको एनहेंस्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में एप्पल ने इसमें डाला है लेटेस्ट A15 बायोनिक चिप विथ 6-कोर CPU, जिनमें से 2 हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए और 4 हैं हाई एफिशिएंसी के लिए। इससे आपका फ़ोन और भी ज़्यादा फास्टर हो जाएगा दैन एनी अनदर स्मार्टफोन, और जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा विद 4-कोर GPU। और इससे आपको 30% फास्टर ग्राफिक्स मिलेंगे। अगर आप हाई ग्राफिक वाले गेम खेलते हैं तो आपको उसमें लैग वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बात थी इसकी परफॉर्मेंस की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आईफोन 13 मिनी और 13 के कैमरा की। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है, जिसमें से जो पहला है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा, जिसमें आपको 1.7 माइक्रोन मीटर का सेंसर मिलता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सेंसर है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपकी जो इमेजेस हैं या फिर वीडियो हैं, जब आप फ़ोन को हिलाते हो या फिर गलती से हिल जाती हैं, उनमें आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं आएगी और काफ़ी क्रिस्टल क्लियर फ़ोटोज़ आएंगी। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले आईफोन 12 प्रो में हुआ था, लेकिन अब इसको 13 मिनी और 13 में भी डाल दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, जो कि 12 मेगापिक्सल का है और काफ़ी ज़्यादा डार्क एरियाज़ में ये आपकी फ़ोटो लेने में और हेल्प करता है, और भी ज़्यादा ये जो वाइड एंगल लेंस है पहले से क्लियर हुआ है। आप कुछ शॉट्स देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो ये तो ही फ़ोटो की बात, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियोस पे। तो इसमें एप्पल ने नया फीचर ऐड किया है सिनेमैटिक मोड, जिसके थ्रू जब आप के फ़ोन के सामने 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका फोकस है वो शिफ्ट करेगा एक से दूसरे और दूसरे से पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर भी चुके हैं तो उसके बाद भी आप अपने फोकस को रीएडजस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने अगले फीचर और अपग्रेड की तरफ, जो है बैटरी लाइफ। जी हाँ फ्रेंड्स, जब इतना अच्छा कैमरा प्रोवाइड कर रहा है एप्पल, इतना पावरफुल प्रोसेसर और डिस्प्ले डिज़ाइन, तो उस हिसाब से फ़ोन के अंदर बैटरी भी पावरफुल होनी चाहिए। पुराना वाला आईफोन 12 मिनी था, उसके कंपैरिजन में आपको 1.5 घंटे की ज़्यादा बैटरी बैकअप, बैटरी लाइफ मिलेगी आईफोन 13 मिनी में। और जो आईफोन 12 था उसके कंपैरिजन में आपको 2.5 घंटे की बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी आईफोन 13 में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके स्टोरेज और कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि सबसे बेस वेरिएंट में 128 GB, देन उससे ऊपर 256 एंड सबसे ऊपर 512 GB। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई 13 मिनी और 13 की। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रो लाइनअप पे, उनमें क्या चेंजेस हैं, फिर हम बात करेंगे इनके प्राइसिंग की और अवेलेबिलिटी की। तो फ्रेंड्स, बात करें आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के बारे में, तो सबसे जो बड़ा चेंज है इसमें, सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो जो डिस्प्ले में इसके चेंज है वो सुपर रटीना एक्सट्रा डिस्प्ले तो मिलती ही है,
और इसमें जो पीक ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स तक जाती है। तो जो 13 मिनी और 13 में जाती है वो 800 निट्स तक है, लेकिन इसमें आपको 1000 निट्स तक मिलती है। तो और भी ज़्यादा आपको ब्राइट पिक्चर्स इसमें दिखेंगे अगर आप आउटडोर यूज़ करते हैं तो। और साथ ही साथ जो इसमें नया फीचर ऐड किया है वो है प्रोमोशन। तो जी हाँ, यहाँ पे एप्पल ने रिफ्रेश रेट इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब अब वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा अपने फ़ोन में, जब आप नॉर्मल यूजेज करेंगे तो उस हिसाब से आपको 10, 20, 30 हर्ट्ज़, और उससे जब ज़्यादा आप हैवी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है वो 60, 70, 90, 100 या 120 हर्ट्ज़ तक भी चला जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस और चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको अपने फ़ोन को। बात करें फ्रेंड्स डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है रियर की तरफ, और जो इसका साइड का पूरा फ्रेम है वो पूरा स्टेनलेस स्टील का आपको मिलता है और फ्लैट मिलता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम बनाता है इसको जब आप इसको हाथ में लेते हैं। और डिज़ाइन से रिलेटेड इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको यही है कि साइड में जो फ्रेम मिलता है वो स्टेनलेस स्टील का है, और आगे फ्रंट की तरफ सिरेमिक शील्ड तो मिलती है जैसे आपको 13 मिनी और 13 में मिलती है, और नॉच छोटा कर दिया गया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको सेम A15 बायोनिक चिप मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्लाइटली फास्टर न्यूरल इंजन मिलता है, और जो इसमें आपको GPU है वो 3 कोर नाओ के 5 कोर GPU मिलता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नॉट अप टू 30 बल्कि 50% और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। फास्टर ग्राफिक्स, फास्टर पिक्चर और भी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स iPhone 13 Pro एंड Pro Max के कैमरा सेटअप की। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप मिलते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है टेलीफोटो लेंस, जो कि आपका 77 mm फोकल लेंथ के साथ आता है और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। फिर है अल्ट्रा वाइड, जो कि f/1.8 अपर्चर के साथ आता है, जो कि 92% इम्प्रूवमेंट किया गया है जिसमें। और फिर है वाइड एंगल लेंस, जो कि f/1.6 के संग आता है, और 1.9 माइक्रोमीटर बड़ा सेंसर है, जो कि बिगेस्ट सेंसर है जो कि अब तक किसी भी आईफोन में यूज़ किया गया है। और इसमें जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी या फिर वीडियो क्वालिटी मिलेगी बहुत ही शानदार। तो बात करें फ्रेंड्स वीडियो की, वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस फ़ोन में भी आपको सिनेमैटिक शूट तो मिलेगा ही, आप फोकस मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये नया फीचर मिलता है प्रो रेस वीडियो बनाने का, जो कि अभी तो नहीं, अपकमिंग टाइम में आपको अवेलेबल किया जाएगा आईफोन में। तो प्रोग्रेस वीडियो आपकी और पिक्चर क्वालिटी और स्मूथनेस इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन आने वाले टाइम में, अभी आपको लॉन्च टाइम में नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की इसकी। तो फ्रेंड्स बैटरी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है सभी चीज़ों से। तो बैटरी लाइफ इसमें आपको मिलती है 1.5 घंटे ज़्यादा पुराने वाले आईफोन 12 प्रो से, और 2.5 घंटे ज़्यादा पुराने वाले आईफोन 12 प्रो मैक्स से। अगेन एमएएच फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि ये एक एप्पल का प्रोडक्ट है, तो एप्पल इन सारी चीज़ों को ट्यून करना अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे अपना बैटरी बैकअप एनहेंस किया जाए। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। आपको स्टोरी बता देता हूँ कि अब आपको प्रो और प्रो मैक्स 1 TB स्टोरेज तक का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अवेलेबिलिटी की, तो फ्रेंड्स ये अवेलेबल हो जाएगा 24 सितंबर को, और प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे फ्राइडे से। अब मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो जो आपको 13 मिनी है वो आपको 69,900 रुपीज़ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस है, और जो आईफोन 13 है वो आपको 79,900 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें आईफोन 13 प्रो की, तो फ्रेंड्स आपको आईफोन 13 प्रो मिलेगा स्टार्टिंग प्राइस 1,19,900 रुपीज़ से, और जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है वो मिलेगा आपको 1,29,900 रुपीज़ से स्टार्टिंग में। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ डिटेल्स और फीचर के बारे में बातें आईफोन 13 सीरीज़ के लाइनअप के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और
मोर कैशबैक ऑफर डील्स के लिए नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा www.easycoupondeal.com, वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट आप वहाँ से इनेबल कर सकते हैं अपने शॉपिंग पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.